को इस कॉलेज के रिलेटेड बोलना हो जो इसको सेपरेट करता है बाकी कॉलेजेस से आपके अकॉर्डिंग? लाइक ऐसा किसी नाम का। Now we have some friends with us. तो इनसे बात करते हैं, इनको कॉलेज कैसा लगा, हाउ दे फील, और एस आर सी सी जितना एक्सपेक्टेशन है उतना फुलफिल कर पा रहा है या नहीं इनके अकॉर्डिंग। सो भाई पहले अपना इंट्रो दे दो। सो मेरा नाम अंकित राज है, मैं बिहार से हूँ और मेरा सी वी टी स्कोर 763 था और मैं बी कॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। तो हेलो गाइज, मेरा नाम नमन है और मैं काठमांडू नेपाल से हूँ और मेरा बोर्ड्स में 94% आया था। सो बेसिकली यहाँ से तुम लोग ये भी जान लो कि अगर तुम आउटसाइडर हो तो तुम्हारे लिए सी यू ई टी एग्ज़ाम का तो आई डोंट नो, बट जैसे नेपाल से बहुत सारे दोस्त मिले उनका मेरिट बेस्ड है तो बोर्ड्स जो है क्लास 12 का वही मैटर करता है। तो अभी आते हैं मेन जो हमारे क्वेश्चन। हाँ, सो पहले अपना सी यू ई टी स्कोर बताना और कोर्स बताना। 788 कोर्स, कोर्स बी कॉम ऑनर्स। मेरा 786 और कोर्स बी कॉम ऑनर्स। दो नंबर का गैप रह गया, बट ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि उनका मेरिट बेस्ड है तो बोर्ड्स जो है क्लास 12 का वही मैटर करता है। तो अभी आते हैं मेन जो हमारे क्वेश्चंस है, कॉलेज कैसा लग रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है एसआरसीसी ये वो, यार मतलब इंडिया एशिया का टॉप कॉलेज। सो रियलिटी चेक थोड़ा तुम लोगों को देते हैं, पूरा तो नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ तुम लोग भी एक्सपीरियंस करोगे तो बेटर है। सो अंकित भाई कुछ? तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा लेके आया था पर उस पर उतरी नहीं, पर ठीक है, नॉर्मल लेके आना, बाकी सब सही रहेगा, ऐसा कुछ खास है नहीं। नॉर्मल भी एक्सपेक्टेशन मतलब फुलफिल तो नहीं होगा, शुरू दिन आएगा तो लगेगा क्या ही कहाँ जगह कहाँ पे आ गए, एक दो हफ्ते तक फिर ऐसे आदत लग जाएगा, उसके बाद नॉर्मल कॉलेज जैसे हर कॉलेज होता है वैसे ही है, कुछ खास वैसा नहीं है। सो मतलब अगर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बताना चाहो कि कैसा लग रहा है, कैसा सा कॉलेज है, फील कैसा हो रहा है, सो क्या रहेगा, जैसे इन्वायरमेंट, सोसाइटी, बाकी कॉलेज से कैसे डिफरेंट है? बाकी कॉलेजों से मैं कहूँगा एसआरसीसी काफ़ी अच्छा है, अभी फेस्ट सीजन चल रहा है, बीकॉन का चल रहा है, अभी हर सोसाइटीज़ की फेस्ट चल रही है, बहुत सही चल रहा है, इतने बड़े बड़े लोग को देखना मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे कभी सोचा नहीं था। आज ही जैसे जीपी गरेवाल आए थे तो बहुत अच्छा लगा। सो इवेंट कैसा लगा आपको? हमें अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी सीखने को मिला अच्छा। और कुछ आपको इस कॉलेज के रिलेटेड बोलना हो जो इसको सेपरेट करता है बाकी कॉलेजेस से आपके अकॉर्डिंग? लाइक ऐसा किसी नाम का। थैंक्स अ लॉट। बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में ऐसे एसआरसीसी में ज़्यादा सोसाइटीज़ भी हैं तो फेस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं, और फिर ऐसे सोसाइटी ज़्यादा होते तो बच्चे अप्लाई भी ज़्यादा करते तो ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, फिर स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, इसी कारण तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ये कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ। सो स्ट्रेस पे क्या रहेगा, क्योंकि टॉप कॉलेज है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आता होगा कि हाँ तुम लोग को बहुत सारी चीज़ से डील करना है, हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, सो उसे कैसे डील करना चाहिए और क्या माइंड में रखना चाहिए पहले से ही? तो जब तक ट्वेल्थ में था लगा था ट्वेल्थ हो गई, ऐसा अच्छा कॉलेज एसआरसीसी जब लिखा आ गया तो लगा अब सेट है, यहाँ आके पता चला बहुत कुछ बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज आके नहीं पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है और ये एसआरसीसी होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, ताकि इस कॉलेज के लेवल को मेंटेन कर पाना है, यहाँ पे हर लोग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से आए हुए हैं, हर लोग अपने स्कूल्स के टॉपर आए हुए हैं, तो इनको कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तुमको 10 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे पर तुम्हारे पास टाइम होगा बस दो काम करने के लिए, तो तुमको अच्छे से डिसाइड करने पड़ेगा कि तुम कौन सा दो काम सबसे अच्छा से कर पाओ और उसी में तुम आगे बढ़ो, ऐसे ही करना होगा। सो थैंक यू हमारे दोनों भाइयों का इतने अच्छे अच्छे टिप्स, वेट ज़्यादा नहीं कराते हुए इनका पहले इंट्रो लेते हैं, फिर देखते इनके पास क्या टिप्स है तुम्हारे लिए, क्योंकि हर किसी के पास अपना कुछ ना कुछ अलग सा मसाला और ज्ञान होता है, सो इनसे भी पूछते हैं। सो पहले अपना इंट्रो देना और ये थोड़ा सा लोगो डिस्क्राइब करना है, एक बार अच्छा सा लग रहा है कुछ। हाय गाइस, आई एम वासु जिंदल एंड आई एम डूइंग बीकॉम ऑनर्स। तो ये लोगो ड्रामेटिक सोसाइटी का है, एसआरसीसी का, एंड दिस इज ठीक है। तो अभी आओगे तो इफ़ यू कम टू हियर ड्राम सॉन्ग हमारी बहुत फेमस है एंड क्या। और मैं मेहदी आगा, मैं अभी साथ में ड्राम में ही हूँ, बहुत अच्छी सोसाइटी है, बेस्ट बेस्ट, ठीक है। और दो नंबर का गैप रह गया, बट ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि कॉलेज कैसा लग रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत सारी रही होंगी तो कितने एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई और क्या ऐसी चीज़ें लगी कि अरे यार ठीक ही है बस। कॉलेज तो देख ठीक सा ही है, आई मीन एशिया का बेस्ट तो नहीं कहूँगा बट ठीक है, आई मीन एक लेवल पे था, एस्पिरेशन है, ठीक है, नाइस।
लाइक बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा और ऐसा एशिया का नहीं, मतलब किस सेंस में एशिया का नंबर वन नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बट द नेटवर्क एंड पीपल थोड़े से हो जाते हैं कभी कभार, पर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, डीयू के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत ही कम्पिटिटिव है यहाँ पे, सोसाइटी से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो यही एक खासियत है SRCC की। बाकी कॉलेजेस में भी होती हैं सोसाइटीज, लेकिन SRCC का ब्रांड वैल्यू होता है बहुत अच्छा, तो उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है। सो जैसे SRCC में हर एक बंदा अपने आप में ही कुछ ना कुछ कर रहा होता है, जैसे वासु भाई हमारे अपकमिंग म्यूजिशियन, हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तो इनसे बात करते इनको भी तो कभी ना कभी लगता होगा ना यार ये मतलब अच्छा कर रहा है कुछ लाइफ में, थोड़ा सा तो लग रहा है कुछ, तो उससे डील कैसे करें? यार हर लोग यहाँ पे, हर एक बंदा टॉपर आया है तो हर एक बंदे ने बहुत कुछ कर रखा है, और सबके अपने अपने होते हैं, अपने आप को फोकस करो, वही दिक्कत आती है कभी कभार टू मच के चक्कर में हम अपने पाथ से भटक जाते हैं, बट हाँ उसको थोड़ा करना चाहिए। क्या बोलना था? ड्रैम वाले अपना थोड़ा सा मतलब ठीक है, बोलना ये था कि प्रेशर से कैसे डील आउट करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है SRCC का। फर्स्ट ईयर में उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ले लेते हैं ना। हाँ वो ले लेते हो भाई, वो तुम पे है। देखो शुरुआत से काम करो, एकदम कंसिस्टेंट रहो, ये कर लोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस बना के रखो, एकदम सही है, सीनियर से भी बना के रखो, बस बना के रखो। मेहदी भाई M1 का एग्ज़ाम कैसा गया? थोड़ा ये सो होप सो तुम लोगों को इनके भी थॉट्स अच्छे लगे होंगे अभी। थैंक्स अ लॉट।